झारखंड में फिलहाल कई मुद्दों पर आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो कुछ अभ्यर्थियों की मांग हो या फिर 60-40 के विरोध में लगातार इसको लेकर के आंदोलन तेज हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर 1932 खतियान की मांग भी लगातार तेज हो रही है, जहां सियासी गलियारों में 1932 खतियान को एक बार फिर से विधानसभा से पारित करने की बातें सामने आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अभी उस पर स्टे लगा हुआ है, कई सारी चीजों पर काम चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजय मेहता जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ चीजें अभी तक आप लोगों को समझ में आई, जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का दावा है कि आप लोग चुनाव भी लड़ेंगे। जनता के बीच इस बात को लेकर बहुत एकरूपता है और लगातार जनता का समर्थन भी मिल रहा है कि झारखंड की जो लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं स्थानीय नीति नियोजन नीति की, जो दो मुख्य मांगे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन अगर प्राथमिकता के आधार पर देखें तो स्थानीय और नियोजन की मांग सबसे बड़ी मांग है झारखंड में। और अभी तक विधानसभा के स्तर से जब आप देखेंगे तो पिछली बार राज्यपाल महोदय ने 1932 का विधेयक वापस लौटा दिया, OBC आरक्षण का विधेयक उन्होंने वापस लौटा दिया जो 77% का था। उसके बाद आप देखिए नियोजन नीति 60-40 ही रह गई है। तो इस तरीके से एक आक्रोश फिर से झारखंड के भीतर पनपने लगा है। और सदन के अंदर इसको लेकर के जब सवाल पूछे गए थे विपक्ष की ओर से, तो सत्ता पक्ष के मंत्री ने कहा कि 40% जो है, 60-40 को पहले समझने की ज़रूरत है, 60 पहले ही झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित है और 40% में और 25% हम लोग स्थानीय लोगों को जगह देंगे, ये उनका कहना है। नहीं नहीं, इसका कानूनी आधार क्या है, इस बात को समझिए कि जब कोई सरकार चलती है वो पॉलिसी पर चलती है, वो चलती है डेफिनेशन से, वो चलती है कानूनी परिभाषा से, वो चलता है विधेयक से। और जब तक विधेयक आप कोई बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसमें अगर अस्पष्टता का अभाव होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे कि ये चीज़ें अंडरस्टूड हैं, नहीं 40% में भी 20% झारखंड के आ जाएंगे किसी तरीके से, तो ये 80-20 हो जाएगा, जो पॉसिबिलिटीज़ है उस पर बात मत करिए, कानूनी तौर पर आपने क्या परिभाषा तय की है उस पर बात कीजिए। आपने 60 और 40 रखा है, अब ये कानूनी तौर पर आप कह रहे हैं कि मान्य है, लेकिन जब झारखंड के इमोशन के आधार पर, झारखंडियों की मांग के आधार पर जब हम देखते हैं तो ये उचित प्रतीत नहीं होता है। 60% हम क्यों लेंगे, हम 90-10 की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 100 का 100 दीजिए। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी, थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में भी झारखंड के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तो झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे। 23 साल से ये मांग चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये 60-40 स्वीकार्य नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे 60-40 की ही, तो 60-40 को लेकर के लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन का दौर जारी है, लेकिन झारखंड बंद भी देखने को मिला इसको लेकर के, लेकिन कुछ खासा निष्कर्ष नहीं मिल रहा है। सरकार ने ये बता दिया है कि 60-40 की नीति के तहत ही सारी बहालियाँ होंगी, क्योंकि अभी फिलहाल 35,000 से अधिक पदों की बहाली राज्य में आई हुई है और इसकी तैयारियों में जुटे हुए, जिसमें सबसे बड़ी बहाली है 26,000 शिक्षकों की बहाली। इसका एक कानूनी पहलू समझने की ज़रूरत है कि ये परेशानी क्यों पैदा हुई। चल हुआ क्या कि झारखंड में 60% आरक्षण का दायरा है ST SC OBC और EWS को मिला करके। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और EWS को मिलाते हैं तो 10%, तो ये 60% होता है। झारखंड की सरकार ने कोशिश की कि ST SC OBC और EWS को मिला करके आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए और उसको 77% किया जाए। वो विधेयक राज्यपाल के समक्ष गया, राज्यपाल ने उसको वापस लौटा दिया, उसे 9वीं अनुसूची में भेजने की बात कही गई थी। अब एक बात समझिए, 60% जो सीटें हैं वो आरक्षण के दायरे में हैं, 40% जो ओपन टू ऑल वो कह रहे हैं, वो इसलिए 40% ओपन टू ऑल कह रहे हैं क्योंकि वो आरक्षण के दायरे में रखेंगे तो वो कानूनी तौर पर जाकर के मान्य नहीं होगा। तो इसका रास्ता क्या है, सवाल ये उठता है कि अगर हम कह रहे हैं 90-10 नहीं 100 में 100, तो रास्ता क्या है। रास्ता ये है कि जब संविधान के अनुच्छेद 16 का 4 को आप पढ़ेंगे तो वैसे क्लास जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, और अगर सरकार चाहती है, सरकार ये राय रखती है कि इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए सीटों को आरक्षित किया जा सकता है, तो सरकार ये निर्णय ले सकती है। ये 16-4 का निर्णय हुआ। तो अगर एक रास्ता और हम देखते हैं कि अगर इसको 9वीं अनुसूची में इस विधेयक को शामिल करा दिया जाए, जैसे कि तमिलनाडु का आरक्षण का प्रतिशत 69 है और वो विधिक तौर पर मान्य है क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया है, तो या तो झारखंड के आरक्षण का दायरा बढ़ा करके जाकर के 9वीं अनुसूची में शामिल करना होगा, या अनुच्छेद के 16-4 के तहत कोई पहल करना होगा। और अगर ऐसा पहल नहीं करेगी सरकार तो एक बहुत बड़ा जो विरोध है वो और भी व्यापक स्वरूप में सामने आएगा। इसलिए हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस पर सरकार को सोचना होगा। 60-40 इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि झारखंडियों को अगर थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में भी प्राथमिकता नहीं देंगे तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में तो वो है ही नहीं, इसलिए हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं।
तो आप लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुना कि अभी फ़िलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो कई सारी चीज़ों को लेकर के तैयार बैठे, अपने राय भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को देने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आरक्षण रोस्टर जो है उसमें और ज़्यादा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पर आरक्षण रोस्टर में सीधे तौर पर ज़ीरो है। इसको लेकर के भी अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे, सदन में भी कई सारे विधायक जो है इसको लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। अब देखना यह है कि आखिर यह आंदोलन क्या रूप लेता है और किस तरीके से अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया रांची।